गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आई एम अविनाश घोरपड़े एंड टुडे यू नो यू आर गोइंग टू लर्न अ पोएम ऑफ 12th स्टैंडर्ड. हैव यू अर्न योर टुमारो. सी द टाइटल इटसेल्फ यू नो टेल्स अस अ न्यूमरस थिंग. हैव यू अर्न योर टुमारो. क्या आपने कल को जीता है या कल को अर्न किया है टुमारो को. तो इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें तो कल जो है इट विल बी इन अ फ्यूचर. तो वो फ्यूचर में फ्यूचर को आपने किस तरह से अर्न किया है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता उसका मीनिंग. बट द रियल मीनिंग ऑफ दिस यू नो पोयम इज कि टुडे व्हाट यू आर डूइंग यू नो विल बी रिवॉर्ड फॉर द फ्यूचर. आज जो आप करने वाले हो वही चीज़ें आपको आने वाले समय में रिवॉर्ड रहेगी. इन मराठी यू नो मरावे परिकीर्ति रूपे उरावे असं म्हटले जाते. तो मतलब आप इस तरह से काम कीजिए अपने लाइफ में, आने वाले समय में आप नहीं भी रहे तो भी लोग आपको याद करेंगे. तो आपको टुडे या प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छी तरह से लाइफ जीनी है. तो जीनी किस तरह से है लाइफ, वो सभी चीज़ें हम इस पोएम में देखने वाले हैं. एडगर गेस्ट की ये पोएम है और सभी लाइन का एक्सप्लेनेशन, इसका टेक्निकल थीमेटिकल एस्पेक्ट, सभी चीज़ें मैं बहुत ही इजी तरह तरीके से आपको बताने वाला हूँ. आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है. यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग मैंने एक्चुअली ग्रीन कलर में लिख के दिए. ये दिस इज ये मीनिंग है हर चीज़ों के. यहाँ जो रेड कलर में दिया गया है वो उस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ की गई है वो दी गई है. तो ओवरऑल पूरी चीज़ें मैंने लिख के रखी है. चलो मैं पोएम को थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, रिसाइट कर लेता हूँ. Is anybody happier because you pass his way? Does anybody remember that you spoke to him today? You know, तो ये भी क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स है. This entire poem, you know, written in rhetorical manner. Rhetorical manner means interrogation. Interrogation means प्रश्न. तो पूरे ही poem में हमें बिल्कुल हमें questions दिखते हैं. हर line में near about questions है. तो वो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मतलब आपके आपके साइड से उनको आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए. तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं सिंपली टू पुट एन इम्पैक्ट, सिंपली टू पुट द व्यूज इफेक्टिवली. तो व्यूज़ को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए, आपका अटेंशन गेन करने के लिए यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड वंस द क्वेश्चन आस्क इन सच मैनर तो वो इंट्रोगेशन होता है, उसी को रेटोरिकल क्वेश्चन भी बोलते हैं. दिस इज तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलते हैं, इज एनी बडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे. आप किसी को मिले हो तो वो हैप्पी है, तुम्हारे कारण वो हैप्पी है, क्या वो हैप्पी है, ये क्वेश्चन है. तो ये कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता. लेकिन यहाँ पोएट को यही बोलना है कि आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मिलते हो, आप अपने लाइफ में कहीं गए हो तो वो लोग आपसे मिलकर हैप्पी होते हैं क्या. तो ये ऑब्वियसली नॉट फॉर आंसर. दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क टू यू नो सीक आंसर फ्रॉम यूर साइड. तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है सो दैट आपका अटेंशन गेन कर सके पोएट. तो ऑब्वियसली इसका आंसर यस होता है मोस्ट ऑफ टाइम. देन डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे. या कोई भी आपको रिमाइंड कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है कि आज मैं पूरे थ्रू आउट डे में इस व्यक्ति को मिला हूँ. अविनाश घोरपड़े से आज मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. ये तभी हो पाएगा जब आपका मैनरिज्म, जब आपका बिहेवियर उस पर्सन के लिए अच्छा होगा. तो आप किसी से भी जब मिलते हो तो आपका खुद का एक इम्पैक्ट क्रिएट कब होगा, जब आप बहुत ही प्योर हार्टेडली किसी से बात करोगे, पोलाइटली और अच्छे मैनर से बात करोगे. तो यही बोला गया है कि डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे. किसी को याद भी है कि आज मैंने किसी से बात की है. बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं लेकिन कितने लोगों को हम याद रखते हैं रात को सोते समय, बहुत कम लोगों को. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था मैं सभी टीचर से सभी दोस्तों से मिलता था, लेकिन मेरे पास मेरे एक टीचर्स थे, सॉरी मेरी एक मैम थी शोमा मैम करके, वो जब मुझसे बात करती थी तो मुझे रात को सोते समय सिर्फ उन्हीं के वर्ड्स याद आते थे. वो इतनी अच्छी तरह से बात करती थी मैडम, इसका मतलब ये है कि वो मुझे इंस्पायर करती थी, वो मुझे मोटिवेट करती थी, वो मेरा रिस्पेक्ट करती थी. तो हम उसी लोगों को याद रखते हैं थ्रू आउट डे, किसी से भी बात करें लेकिन उसी लोगों को याद करते हैं जो लोग हमें अच्छे लगते हैं. तो अच्छा बनना है. आज का डे अगर आप अच्छा रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में शायद हम उनको याद करेंगे.
तो ये दोनों लाइंस का मतलब है, और दोनों लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉय की गई है इट्स अ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन इंट्रोगेशन क्यों है? सबसे इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेशन इन पोयम इज यू नो साइन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का यहाँ साइन रहता है वो इंट्रोगेशन है, पोएम में वही रहता है, ये इजीएस्ट वे। सर लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाए, तो आई विल मेक एन अनदर वीडियो इन ऑर्डर टू राइट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यू नो इंट्रोगेशन आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन नॉट फॉर द गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली, यही इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है इंट्रोगेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद। बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, आई एम सिंपली टीच यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, क्योंकि उसमें बहुत वक्त जाएगा। मैं सेकंड पार्ट में उसका पोएटिक डिवाइसेस हाईलाइट करूंगा, उसमें राइमिंग स्कीम भी रहेगा, मीटर भी रहेगा, उसमें पोएटिक डिवाइस भी रहेंगे। कमिंग टू थर्ड लाइन, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स स्टॉइलिंग, स्टॉइलिंग टाइम इज थ्रू। ये पूरा जो डे था ये बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, मैं बहुत काम करके पूरा दिन चला गया है और आज का दिन खत्म हो चुका है। तो इसमें अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है क्योंकि टॉयलिंग टी, टाइम टी, थ्रू टी, तो ये तीनों जगह टी लेटर कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड, इट्स अलिटरेशन। तो आज का दिन खत्म हो चुका है, पहले स्टांजा का मैं एक्चुअली लास्ट वाला लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, आज का दिन थ्रू आउट डे यू वर्क हार्ड एंड योर डेज यू नो हैज फेड अप, खत्म हो चुका है आपका दिन, खत्म हो चुका है। बट इज देयर एनी वन, वहाँ कोई था क्या अटर्ड नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, आपके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स किसी ने कहे है, आज का पूरा दिन आपका खत्म हो चुका है, किसी ने कहे, अगर नहीं कहे है तो यू नीड टू इवैल्यूएट योर डे वंस अगेन, वेदर यू हैव डिड गुड थिंग और नॉट, वेदर यू हैव बिहेव्ड वेल विद द पीपल और नॉट, वेदर यू हैव डिड समथिंग प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव फॉर द सोसाइटी और नॉट, इफ नॉट सो योर डे हैज़ गॉन इन वेन एक्चुअली। तो ये इसका पहला स्टांजा है जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप शब्द की मीनिंग लिख सकते हैं, वर्ड्स की मीनिंग लिख लीजिए। कमिंग टू द सेकंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम, हैव यू अर्न टुमारो, दिस इज द पोएम, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू फ्रेंड्स हु कम अलॉन्ग, इंट्रोगेशन, ये भी इंट्रोगेशन है यहाँ पे भी। आपसे कोई दोस्त आपके दिन भर आपको कोई मिला होगा, क्या उस दोस्त को आपने चेयरफुल स्माइल दी है? अगर नहीं दिए है आपने तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, शायद आपका टुडे जो है वो उतना अच्छा नहीं गया आने वाले फ्यूचर के लिए, टुमारो के लिए। तो यू विल नॉट अर्न योर टुमारो अगर आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो तो। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड्स हु केम अलॉन्ग, आपके साथ कोई दोस्त आया है या दिन भर में किसी से कांटेक्ट हुआ है आपका, तो आप उसके साथ चीयरफुली ग्रीटिंग किए हैं क्या आपने उसको, आप उससे अच्छी तरह से मिले हो क्या? देन और अ चर्लिश, चर्लिश का मतलब रूड, सॉर्ट ऑफ अ हाउडी, हाउडी का मतलब यू नो हाउडी मोदी, आपने वर्ड सुना है हाउडी मोदी, हाउ आर यू, लाइक इट्स अ इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। तो ये हाउडी वर्ड स्पेशली यूएस में यूज़ किया जाता है, इट्स अ इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग, किसी को मिलते समय हम जिस तरह से बात करते हैं। और चर्लिश मतलब रूड, सॉर्ट ऑफ हाउडी, इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब किसी वे में, किसी रास्ते में आप वैनिश, खत्म, चले गए, किसी से मिले हम, मतलब ये लाइन मुझे क्यों अच्छी लगती है बताया क्या? द पीपल यू नो नाउ डेज द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, वो इस तरह से बिहेव करते हैं, चर्लिश और सॉर्ट ऑफ अ हाउडी, इनफॉर्मल यू नो फ्रेंडली ग्रीटिंग एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, ऐसे ही किसी से बात करते हैं, हाउ आर यू, बहुत मस्त है ऐसे, और चले जाते हैं फट से ऐसे, मतलब वो रियल प्योर हार्टेडली किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए बात करते हैं और फिर अपना रास्ता नाप लेते हैं, रास्ता नापना वही बात करें, देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, तो वो चले जाते हैं ऐसे। तो आप क्या वैसे आपने किया है आज, ये भी यहाँ पोएट पूछ रहे हैं। देन वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे, ओके वेर यू सेल्फिश प्योर, आप वहाँ उस वक्त सेल्फिश हो कम्प्लीटली यू नो, और आप इनफॉर्मली किसी से बात करके सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे, और रास्ता नाप लेते हो चले जाते हो ऐसे, वो बोल रहे हैं इट्स अ इन्वर्शन, ये इन्वर्शन है, इन्वर्शन क्यों है ये भी हम पढ़ने वाले। इन्वर्शन का मतलब होता है वर्ड्स आर
एक्सचेंज हियर एंड देयर इन ऑर्डर टू मेक सम पोएटिक सेंस। तो यहाँ पे भी वर्ड्स को यहाँ वहाँ डाला हुआ है, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इज अ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या किसी के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है जिसके कारण आपको एक ग्रेटफुल या माइटी ग्रेटफुल आपको मिला है, कुछ अच्छा काम किया है कि आज दिन भर में आपने, ये आप बोल रहे हैं ओके किसी के लिए। तो ये लास्ट लाइन ये बता रही है हमें। इस तरह से हमारे टू स्टांजाज खत्म हो चुका है। कमिंग टू द थर्ड स्टांजा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, आप चीज़ों को आपको समझना है। थर्ड स्टांजा, सेकंड स्टांजा फ्रेंड के लिए था। कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। क्या आप आज का दिन, जो दिन खत्म हो गया है, रात के समय आप जब सोचेंगे, आपका जो आज का जो दिन आपका खत्म हो चुका है, इन अ पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट, स्लीप मतलब ये हम स्लीप होते हैं ना, स्लीपरी, आज का दिन खत्म हो गया वेरी फास्ट, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। तो आप थ्रू आउट डे अगर कोई ब्रदर मतलब कोई बंदा आपके पास आया होगा, क्या आपने उसको हेल्प किया है थ्रू आउट डे में, किसी को भी हेल्प किया आपने थ्रू आउट डे में, ये बोल रहे हैं ये। इट्स ऑल्सो इंट्रोगेशन क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, क्या पूरे दिन में कोई सिंगल हार्ट भी आपसे खुश हुआ है? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, आपने कुछ किया है या आपने कुछ बोला है, डिड किया है, सेड बोला है, तो एक सिंगल हार्ट भी खुश हुआ है आपके वजह से आज दिन भर में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंगल हार्ट का मतलब इट्स अ नंबर ऑफ अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति ऐसे बोला, लेकिन हार्ट, हार्ट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, पार्ट ऑफ, व्हेन पार्ट ऑफ अ बॉडी यू नो रेफर्स फॉर होल थिंग, रेफर्स फॉर होल थिंग, इट्स अ सिनेकडकी, सिनेकडकी, किसी भी चीज का पार्ट यूज के वो पूरे होल को जब, पूरे होल को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो है सिनेकडकी, पार्ट को, इट्स अ पार्ट एक्चुअली एंड रेफर्स टू अ होल बॉडी। लेट मी टेक द एग्जांपल, हम बहुत बार टू व्हीलर या फोर व्हीलर बोलते हैं, तो व्हील इज अ पार्ट ऑफ अ कार, इट्स नॉट होल, तो उस होल का एक पार्ट लेके उस होल चीज को एक्सप्लेन किया गया है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर बोलते हैं, फोर व्हीलर मतलब वो एक कार की बात कर रहे हैं, लेकिन बट वी आर रेफरिंग हियर ओनली व्हील्स, तो ये इट्स अ सिनेकडकी, ये पर्सनिफिकेशन भी है। पर्सनिफिकेशन क्यों है? अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, हमारा हार्ट कभी भी रिजॉइस नहीं होता या हमारा हार्ट कभी भी दुखी नहीं होता, वो हम है जो दुखी होते हैं, हम है वो खुश होते हैं, लेकिन हार्ट इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, हार्ट नो डाउट वो लिविंग थिंग है लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट है और वो ह्यूमन बीइंग जैसा यहाँ एक्ट कर रहा है, इसलिए वो पर्सनिफिकेशन है। ओके, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पोएटिक डिवाइसेस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आगे जाके, डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग नाउ विद अ करेज लुक अहेड, क्या हम, डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति की, ओके, डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग नाउ, क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसके होप्स जो है वो फेड हो रहे हैं, मतलब सबसे ना वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ इज होप, दिस द ओनली यू नो द ओनली एस्पेक्ट इज होप जिसके कारण हम सब लोग जिंदा है। तो डज अ मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग नाउ, उसके होप खत्म हो रहे जा रहे हैं, विद अ करेज लुक अहेड, शायद आने वाले समय में करेज हो सकता था उनमें, तो ये भी इंट्रोगेशन है और यहाँ एंटीथेसिस भी है। एंटीथेसिस का मतलब व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट इन अ सेंटेंस, लेट मी, कैन यू गेस विच आर टू अपोजिट वर्ड्स? आई कैन सी दैट नाउ एंड अहेड, नाउ एंड अहेड आर टू अपोजिट वर्ड्स, या फेडिंग और करेज भी हम उसको अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड स्टांजा, कमिंग टू द लास्ट स्टांजा एंड वेरी इंटरेस्टिंग, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली, सोरली स्पेंट,
कितना इजी है इसका मीनिंग देख लीजिए. डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने दिन को वेस्ट किया है, और लूज इट, या आपने उसको मतलब लूज किया है. वॉज इट वेल और सोरली, वो अपसेट था, एंग्री था पूरा दिन आपका, या फिर अच्छा था. ये क्वेश्चन एक्चुअली ये भी ये इंट्रोगेशन है. डिड यू हैव अ ट्रेल, ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्केयर ऑफ डिसकंटेंट. क्या डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, आपने ये दिन बहुत अच्छी तरह से पूरा बिताया है, या फिर डिसकंटेंट से बिताया है. डिसकंटेंट मतलब यू आर नॉट हैप्पी व्हाइल लिविंग दैट डे. तो ये दोनों चीजें यहाँ एंटीथेसिस अपोजिट है. काइंडनेस और डिसकंटेंस आर टू अपोजिट वर्ड्स. तो ये इस सेंस में भी डियर फ्रेंड इट्स अ एंटीथेसिस. ओके नाउ आगे के दो लाइंस जो बचे हुए मैं उसको पढ़ा लेता हूँ आपको. एज यू क्लोज यूर आईज इन, ये लास्ट वाला, दिस इज अ मैसेज ऑफ दिस पोएम. एज यू क्लोज यूर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर मतलब सोते हुए रात को. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, आपको रात को सोते समय, slumber मतलब sleep, रात को सोते समय आपको, do you think that God would say, God आपको कुछ कहेगा, क्या कहेगा. You have earned one more tomorrow by the work you did today. आपने एक और टुमारो को अर्न किया है, क्योंकि जिस तरह से आपने टुडे काम किया है, जिसके कारण आपने टुमारो को अर्न किया गया. इन अ शॉर्ट वर्ड ये ऐसे है, कि आज अगर हम कुछ करेंगे तो आने वाले समय में उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्च्यू, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. एक्चुअली आज अच्छा करेंगे तो हमारा कल अच्छा रहेगा, वही चीज़ें यहाँ बताई गई है. ओके तो ये इसका ब्रॉडर मीनिंग है पोएम का. दिस पोएम इज फॉर 12th स्टैंडर्ड. इसका टेक्निकल आस्पेक्ट मुझे सेपरेटली हाईलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल टेक 10 to 15 minutes. यू हैव टू वॉच माई वीडियो वेरी केयरफुली. यू कैन ऑल्सो टेक द नोट्स ऑफ ईच लाइन्स. ओके देर आर न्यूमरस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू. प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द कंसर्न स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी यू नो क्वेरी यू कैन कमेंट मी. ओके आई विल रिस्पॉन्ड यू डेफिनेटली. ओके दिस इज फॉर टूडे. थैंक यू सो मच.